फिलहाल आप पहुंचा हूँ यहाँ का जो इथनिक विलेज है। एंट्री गेट ऑफ इथनिक विलेज। हाफलॉन्ग विजिट करने के लिए आप अगर आते हैं तो ये जो इथनिक विलेज है इसको आप जरूर रखिएगा, यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के यहाँ कॉटेज बना के रखे हैं और साइड पर यहाँ पर बना के रखे हैं पार्क, जो आप फैमिली से आने से आपके बच्चे लोग यहाँ पर खेल कूद सकते हैं। ये इतनी दूर नहीं है, हाफलॉन्ग से 8-9 किलोमीटर होंगे और ये सिलसर रोड पर है, जाटिंगा से कुछ दूर आते ही ये मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इथनिक जो विलेज है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी की उनकी हाट यहाँ पर बना के रखे हैं। दिस इज डिमासा कॉटेज। दिस इज डिमासा कॉटेज। This is Khasi Cottage. Tekachang Khasi Cottage. This is Cookie Cottage. उनके ट्रेडिशनल जो कॉटेज होते हैं कैसे होते हैं, यहाँ पर नीचे में आग लगा के ऊपर में कुछ मीट वीट रख के उसको ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ दान वान उसको कूद सकते हैं यहाँ पर। दिस इज मार कॉटेज। दिस इज मार कॉटेज। दिस इज कार्बी कॉटेज। This is Karbi Cottage. This is Rangul Cottage. This is Kelma Cottage. यहाँ पर है बेटे कॉटेज, ये थोड़ा खराब हो गए हैं। ये है भाई पे कॉटेज, बेटे भाई पे को बेटे कहते हैं। दिस इज रोंग में जेमी। दिस इज सेमखोर कॉटेज। दिस इज टिकीचान कॉटेज। ये रनचंदी टेम्पल है जो स्टोन हाउस भी कहे जाते हैं, जो माईबांग पर है और बिल्कुल उसी डिजाइन से यहाँ पर भी बना के रखे हैं।
और इस रणचंडी टेम्पल को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा माईबांग, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रिबार की बिल्कुल करीब पर है। बहुत लंबे रास्ते हैं यहाँ पर, सीधे जाके मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर ठंडे है काफ़ी और मज़े हैं यहाँ पर गर्मी के टाइम पर भी। और ये जगह जाटिंगा है, और इस जाटिंगा पर नॉर्मली ऐसे ज़्यादा ठंडे है। यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करके रखा है, इसलिए काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। और यहाँ पर आप फैमिली लेके आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं उसको खेलने कूदने का बहुत सारे जगह है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर देखा है जो ऑर्किड्स है, यहाँ पर हिल्स में बहुत सारे ऑर्किड्स होते हैं, यहाँ के लोकल ऑर्किड्स। देखिए वो सर ऑर्किड्स, ग्रीन हाउस बना के इसको अच्छा तरीके से यहाँ पर रखा है। सीजन पर ये जब खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेंगे। मिनी इंडोर स्टेडियम है यहाँ पर, कुछ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करके यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर कभी कभी प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आके यहाँ पर ट्रेडिशनल डांस करते हैं, तो उस टाइम पर भी आप आ सकते हैं।